हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो, इतना वीडियो को लाइक करते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं दूंगी अपना होम टूर। और तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैं हूँ किरणदीप राजपूत, और मेरा पूरा नाम किरणदीप राजपूत। और फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल है दीप आर्ट, दीप आर्ट से। और फ्रेंड्स, किरणदीप राजपूत 1 2 3 8 के नाम से भी मेरा चैनल है। उस पे मैं ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह की वीडियोस, शॉर्ट्स डालती हूँ। तो ये वीडियो मैंने आज डाली है आपके साथ, जो मैं शेयर करूँगी दीप आर्ट पे। तो फ्रेंड्स, इस पे मैं क्राफ्ट वगैरह और अपनी व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, और जो कुछ अपनी रेसिपी के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दूंगी होम टूर। ये छोटा सा मेरा होम है, आपको मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, 4 मेंबर हैं हम फैमिली के, हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं। और बच्चे फ्रेंड्स दोनों बेटे हैं, जो कि मिलेनियम स्कूल बठिंडा में पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, मैं भी बठिंडा से हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर देते हैं होम टूर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाना। ये नीचे का है, ये देखिए। और 2 भाई हैं ये नीचे, बड़े भाई साहब जेठ जी रहते हैं, और ऊपर हम। और ये फ्रेंड्स क्रेटा और डिज़ायर 2 गाड़ियाँ हैं, जो कि नीचे एक गली में रहती है और एक ये अंदर। और ये देखिए नीचे पापा हमारे बड़े भाई साहब के पास ही रहते हैं। और ये यहाँ से ऊपर का शुरू हो जाता है, ऊपर की पौड़ियाँ ये देखिए। और ये इधर जाल डला हुआ है, और इधर ये ऊपर की पौड़ियाँ। ये आ गया हमारा एंट्रेंस का गेट। और ये ऊपर ऊपर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बना हुआ, तो यहाँ से एंट्रिंग शुरू होती है। ये बड़ा बड़ा आपको दिखाती हूँ एक बार, वॉशरूम, इधर बालकनी, और ये फिर हमारी एंट्रेंस का गेट आ गया। तो फ्रेंड्स, इधर से मेरे घर की एंट्रेंस शुरू होती है। तो ये है लॉबी फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे आप वीडियो में देखते हो, आपके कोई कमेंट भी आते हैं कि मैम आपके कलर घर का बहुत ही अच्छा है, तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ना ये फ्रेंड्स मैंने अपने अकॉर्डिंग ये कलर कॉम्बिनेशन करवाई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा मतलब शौक है, कि खिले खिले कलर से ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए ऊपर से, तो ये मैंने अपने हिसाब से चूज़ कर कर दिए थे पेंटर को। और ये आ गई यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखिए मेन गेट एंट्रेंस का। और इधर ये वाला गेट आ गया हमारा बालकनी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये तीनों बराबर, ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम, और ये बालकनी, और ये एंट्रेंस का, और ये आ गई इधर किचन। और ये फ्रेंड्स 2 हैं सामने की रूम, और ये आ गया इधर मंदिर। तो मंदिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर पे कान्हा जी की ये पेंटिंग मैंने ड्रॉ की है। जब पेंट वाले लगे हुए थे, तब मैंने उनको बताया था, फिर वो कहते नहीं ये नहीं बना सकते, तो फिर मैंने ही ये बनाई थी। और ये देखिए, ये भी फ्रेंड्स फेदर डिज़ाइन है, जो स्टेंसिल में बना हुआ है। ये भी मैंने स्टेंसिल बना के दिया था पेंटर को, तो ये भी मैंने अपने अकॉर्डिंग करवाया रोलर से, उन्होंने पेंटिंग की। बस मैंने ये पीकॉक फेदर वाला डिज़ाइन उनको स्टेंसिल बना कर दिया। ये कॉम्बिनेशन भी मैंने अपने हिसाब से कराई।
और ये देखिए फ्रेंड्स मंदिर का, एक्चुअली मैं फ्रेंड्स 1.5-2 साल हो गए ऊपर आए हूँ उनको, तो बस आते ही ये थोड़ा सा अनकम्प्लीट ही था, किचन वगैरह भी अभी बननी बाकी है। बस आते ही साल बाद हमने कारपेंटर लगाए, तो उनसे ये कुछ 2-4 चीज़ें बनवाई थी जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए मंदिर, मंदिर फ्रेंड्स एक ना बेड बेड की ढो हमने चेंज करवाई थी, तो वो काफ़ी पुराना था, तो उसकी जो कुछ फटियां वगैरह कुछ बची तो वो मैंने इधर मंदिर में लगवा ली। ये देखिए कुछ पावे वगैरह कुछ साइडों में उसके लगे हुए थे जो मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, तो फिर वो मैंने इसमें ही लगवा ली। और ये कुछ इस तरह फ्रेंड्स, ये एक ट्रॉली थी मेरे पास, जैसे पुराने टीवी चलते थे पहले तो इसके ऊपर टीवी रखा हुआ था ट्रॉली के, तो इसके बराबर ही मैंने सनमाइका का एक पीस ऐसे देखिए गेट इसका, तो ये बराबर हो गए दोनों, और इधर बड़ी सनमाइका उसने ऊपर डाल दी, तो ये देखिए, और इसके 2 पोर्शन हो गए। और इस तरह फिर थोड़ा सा उसने सेल्फ भी डाल दी मिरर की, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह ये हमारा मंदिर। तो कमेंट करके बताना आपको मंदिर कैसा लगा। और फ्रेंड्स ये देखिए इधर ये वाला रूम, तो इधर फ्रेंड्स सारे पीवीसी की शीट्स लगी हुई हैं। पहले इधर पेंट था फ्रेंड्स, मैंने ये बच्चों का रूम था, खुद पेंट किया था, तो पहले मेरा ये चैनल नहीं था, तो पेंट करने के बाद सारा रूम मैंने फिर अपना चैनल बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ सलाब वगैरह आ जाता था अक्सर, सीलन था, तो पेंटरों से ही सलाह लेकर उनसे गाइड लेकर ही हमने ये पीवीसी की शीट्स लगवाई। उन्होंने बोला कि ये काफ़ी 8-10 साल चल जाएंगी, सही है पीवीसी की शीट्स, तो ये भी कॉम्बिनेशन कर कर हमने लगवाई। और ये कर्टन भी ब्राउन ही रखे हैं, इस तरह ना ये पीवीसी की शीट का कलर और कॉम्बिनेशन मतलब ब्राउन ही सारा रखा है, ऊपर भी पेंट करवाया था वो भी ब्राउन। तो ये देखिए फ्रेंड्स फ्रंट साइड ये बच्चों की पिक्चर लगा रखी हैं, ये भी पीवीसी की शीट्स के ही उसने ये फ्रेम से बनाकर कारपेंटर ने लगा दिए थे। बड़े और छोटे बेटे की, तो फ्रेंड्स ये हमारा रूम है जो हम इकट्ठे ही दोनों बच्चे और हस्बैंड वाइफ इधर ही लेटते हैं। बस फ्रेंड्स एक छोटा है वो साथ लेट जाता है, और बड़े की ये दीवान बनवाया हुआ है हमने कारपेंटर से, मैंने बताया था आपको कि ये हमने 2-4 काम करवाए थे। ये बेड की ढो है चेंज करवाई थी जो मैंने आपको दिखाया है मंदिर में, पुरानी ढो थी उसकी फटियाँ मंदिर में कुछ मैंने ऐड करवा दी थी। तो ये दीवान है, ये रात को हम खोल लेते हैं चेयर को साइड में कर और दिन में इसको बंद ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मंदिर के साइड में ये हो गया हमारा एक रूम, और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो फ्रेम, ये मैंने एनिवर्सरी पे बनवाया था। तो फ्रेंड्स अब आती है बारी और ये फोटो भी आप देखते ही हो तो आपके मन में आता होएगा पूछने का। तो फ्रेंड्स ये हैं मेरे सासू माँ मम्मी जी, जिनको 2 साल हो गए एक्सपायर हुए हुए, इनको बस ऐसे ही साइलेंट अटैक की वजह से इनकी अचानक ही ऐसे डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे थे नेचर के बहुत ज़्यादा, और अब भगवान के आगे मर्जी के हम क्या कर सकते हैं। ये थे तो कोई टेंशन नहीं होती थी फ्रेंड्स, बस नीचे का और मम्मा सब देख लेते होते थे। अब आइए फ्रेंड्स दूसरे रूम की बारी, ये देखिए इसमें भी फ्रेंड्स हमने पीवीसी की शीट्स लगवाई हैं, पीकॉक कलर में है, ये पीकॉक वाला डिज़ाइन है फैदर का, तो ये भी कॉम्बिनेशन कर
ये देखिए, ये भी सेम दोनों डिजाइन है, बस कलर का फर्क है। बस इधर भी फ्रेम बनाए थे इस स्टाइल से कि इनमें फोटो बच्चों की दो चार लगी हैं। और फ्रेंड्स, इसी रूम के अंदर स्टोर रूम है जिसमें दो छोटी अलमारियां रखी हुई हैं जिसमें कि मैं अपने कपड़े रखती हूँ। और बस ये बिस्तरे वगैरह, इसमें कुछ जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो हम इसमें रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोर रूम रूम के अंदर ही, और इधर रूम के अंदर ही वॉशरूम। और इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, बाहर वाले ही वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इधर मैंने अपनी फुली मशीन रखी हुई है, और इधर का गेट खुलता है वो पीछे की साइड, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये वॉशरूम, और ये इधर इधर का बंद कर देते हैं। तो ये तो है, ये ड्रेसिंग रूम, ये ड्रेसिंग लगा हुआ है इधर, टॉवल वगैरह की हैंगिंग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये मैंने बताया था ना आपको कि हमने ये ऊपर आते ही ये कारपेंटर से ये चार पांच काम करवाए हैं। स्टडी टेबल बनवाया था बच्चों का, और वो दीवान बनाया था, स्लाइडर, ये कबोर्ड बनवाई है। तो इसमें हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े इसमें रखे हुए हैं मैंने। तो ये फ्रेंड्स, जगह इधर थोड़ी होने की वजह से कम है, देखिए। तो ये स्लाइडर वाली बनवाई है हमने, और इसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे बनवाए थे मैंने, ताकि बच्चों को और सामान रखने की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि फ्रेंड्स कपड़े तो हमारे विंटर और समर के बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साइडों में ऐसे डिजाइनिंग कर दी थी ताकि हम कुछ भी अपना यहाँ रख सकें, शोपीस। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए रूम के साथ ही इधर किचन है, ये काफ़ी खुली डुली है। ये सासू माँ ने अपने अकॉर्डिंग जब ये बनवाई थी, तो ये देखिए खुली होने की वजह से इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी आती है। तो फ्रेंड्स, किचन अभी अनकम्प्लीट है नीचे की, तो ये देखते हैं, थोड़ा ठहर कर इसको भी बनवाएंगे। इधर साइड फ्रिज रखा हुआ है, और ये ऐसे डब्बों के रैक वगैरह, ओवन वगैरह रखे हुए हैं, और ये रैक है बर्तनों के, गैस वगैरह, देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, सामने मंदिर के साथ ये स्टोर है, ये किसी, ये वैसे ही है, बंद ही रहता है, इसमें कुछ नहीं। इसमें सिलेंडर रखा हुआ है इधर वाले बाथरूम के लिए, गैस गीजर। और ये लॉबी में वॉश बेसिन और मिरर, सेंटर में हम इसे ज़्यादा इसे ही इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्रेंड्स बाथरूम, इसका भी ज़्यादा हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। और अब बारी है फ्रेंड्स ये ड्राइंग रूम। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम को मैंने अपना आर्ट गैलरी बना रखा है,
क्योंकि मैं भी अपने सारे काम इधर ही बैठ के करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कपबोर्ड, मंदिर और दीवान के साथ मैंने ये प्रेस वाली स्टैंडिंग टेबल बनवाई थी, फोल्डिंग वाली, तो ये ऐसे फोल्ड भी हो जाती है। ये देखिए इस तरह, और ये फोल्ड हुई जब कोई काम नहीं करना होता, प्रेस वगैरह नहीं करनी होती, तो ऐसे ही इसको फोल्ड कर देते हैं। और मुझे ये, मैंने देखा था, मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये बनवाई। ये देखिए काफ़ी मजबूत है ये फ्रेंड्स। और ये इस पे इसको जब कुछ काम नहीं करना होता तो इस पे पेंटिंग वगैरह, ये शोपीस भी है हमारा, देखने में अच्छा लगता है। और ये फ्रेंड्स मैंने कैनवस बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया हुआ है, इसीलिए मुझे ये करने का भी बहुत शौक है। तो मेरा चैनल भी है किरणदीप राजपूत 123 आर्ट, उस पर मैं अपने ड्राइंग वगैरह की, पेंटिंग वगैरह की वीडियोस, शॉर्ट्स डालती हूँ। ये फोटोज़ फ्रेम फ्रेंड्स, जब ये बड़े वाला बेटा 8 साल का था, जबकि है। और ये भी हमारी फैमिली फ़ोटो, जब हम बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो घूमने गए थे शिमला की है। और ये वाली हमारी कंप्लीट फैमिली है फ्रेंड्स, सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चे, बेटा बेटी और मेरे बड़े वाला बेटा। और ये मेरे मायके साइड से मम्मी पापा, बहन और भाई। तो ये फ्रेंड्स ड्राइंग रूम का कलर देखिए, ये भी मैंने पर्पल रखा, लाइट और डार्क, ये देखिए। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कॉम्बिनेशन भी। तो फ्रेंड्स बच्चों की टेबल भी इधर ही रख दी, ये ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा खुला है, तो कल को जब कोई लगाएंगे मिस्त्री वगैरह तो देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा अभी अपसेटिंग है, थोड़ा सा सेट करने वाला है, क्या क्या चेंजेस करते हैं देखते हैं। और फ्रेंड्स ये है बच्चों की, बचपन की फोटोएं दोनों बेटों की, ये देखिए। तो ये भी कुछ ऊपर ड्राइंग डिज़ाइनिंग मैंने की है, तो मैं ये भी मैंने की है, ये मैं कुछ नहीं छोड़ती। दीवारें बहुत ज़्यादा, बहुत, इस वजह से मेरे को अक्सर पति देव से डांट भी पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ बच्चों की स्टडी टेबल रखी हुई है। और फ्रेंड्स ये वाली फ़ोटोज़, मैंने फ़ोटोज़ का भी मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, ये देखिए। और ये सारी फ़ोटोज़ बस, ये भी मैंने ही बनाया है। और ये फ्रेंड्स इधर मंजी लगाकर, ये भी दीवान बनाने वाला है, तो एक बार इधर भी एक मंजी लगाई हुई है इस तरह टेबल। तो ये आ गया जी हमारा ड्राइंग रूम। तो बच्चे अपना स्टडी का और मैं अपना ड्राइंग वगैरह का जो भी काम होता है यहीं पे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खुला डुल्ला है इसीलिए। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये ड्राइंग रूम, और ये एंट्रेंस का गेट, और ये बालकनी। अब चलते हैं बालकनी में। तो ये देखिए फ्रेंड, छोटी सी बालकनी है, मिनी गार्डन, टॉप फ्लोर गार्डन, तो इसको भी मैंने नहीं छोड़ा। तो देखिए इस पे भी काफ़ी कुछ बना रखा है, डेकोरेटिव डिज़ाइंस, पेंटिंग, क्राफ्टिंग का कोई बोतल नहीं छोड़ती। ये देखिए जो
जो भी होती हैं खाली सर्फ वगैरह की और कुछ ना कुछ उससे करती रहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे जड़ी प्लांट्स में ऐसे लगा रखे हैं बुद्धा को बिठाकर, देखिए। और ये सारी वीडियोस फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जाकर देखना आप, मैंने डाल रखी हैं जो जो मैं वेस्ट मटेरियल से बनाती हूँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये देखिए तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी है बालकनी, इसमें हर तरह के प्लांट्स, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, सदाबहार, सब कुछ लगा रखा है। और ये जो भी कंटेनर किचन में ख़त्म होते हैं तो उन पे भी कलर कर कर, उनको अच्छे से फेसेस देकर, ऑयल वगैरह की गणेशा बनाए हुए हैं, देखिए कोई स्माइली फेसेस हैं इस तरह। और यहाँ छोटी छोटी बास्केट है वो हैंग कर रखी हैं। और सामने फ्रेंड्स इधर एक मंजी लगी हुई है तो वो भी अब परमानेंट ही है विंटर में, क्योंकि यहाँ धूप वगैरह काफ़ी अच्छी आती है और इधर रैक पे कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख जाते हैं। ये देखिए सब्जियाँ में कुछ आलू वगैरह लगा रखे हैं मैंने, मेथी है इसके साथ, और इधर धनिया भी मैंने लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स आगे का ग्रिल्स हैं ये इधर से, तो इन पे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मेरा काफ़ी दिनों से मन था आपको होम टूर देने का, तो फ्रेंड्स आज मैंने ये होम टूर पे वीडियो बनाई है, तो आप कमेंट करके बताना कि मेरा घर आपको कैसा लगा, कैसी है कलर कॉम्बिनेशन, जो कुछ था मन में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।